वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल परेश जैन में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहला मोटो ब्लॉग जो मैंने बनाया था वो मालसेज घाट पे बनाया था, मुंबई टू मालसेज घाट। उस वीडियो पे आप सभी ने ढेरों लाइक दिए, कई व्यूज़ दिए और उसके बाद मेरे चैनल को काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब किया है, उसके लिए तहे दिल से मैं आप सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, आज का जो ये मेरा दूसरा मोटो ब्लॉग जो है, ये खास तौर पे मैंने मुंबई से यानी कि मेरे घर से चिंचपोकली से बांद्री लेक के ऊपर बनाया है। कोई इसे बांद्री लेक कहते हैं, कोई बांद्रे लेक कहते हैं। ये करीब करीब चिंचपोकली से 86 किलोमीटर दूरी पर है और वहाँ यहाँ से बांद्री लेक जाने के लिए कम से कम 2 घंटे की दूरी है। मालसेज घाट की तरह ये लोकेशन भी बहुत ही खूबसूरत है। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, संडे को ये देख के आप बाइक राइडिंग के लिए निकलते हो कि शायद संडे को आपको ट्रैफिक ना मिले, लेकिन इस वक्त सुबह के 7 बजे है और भाईंदर मीरा रोड के आसपास का ये ट्रैफिक का आप नज़ारा देखिए, ये देख के बहुत दुख होता है। आमतौर पे जब आप अपने घर से मार्केट के लिए, कालबा देवी के लिए, जवेरी बाजार के लिए निकलते हो, तब भी मार्केट की सिचुएशन यही रहती है, आप चारों ओर से ट्रैफिक से घिरे होते हो। इसलिए खास तौर पे काफी लोग सुबह सुबह संडे को बाइक राइडिंग के लिए निकलते हैं, कार ड्राइविंग के लिए निकलते हैं, लेकिन उस वक्त भी अगर इस तरह का भयंकर ट्रैफिक आपको मिले तो ये देख के वाकई में बहुत दुख होता है। इस ट्रैफिक की एक वजह ये भी है कि मुंबई में कंस्ट्रक्शन के काम सालों सालों तक चलते ही रहते हैं, वो कभी खत्म ही नहीं होते। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि इसे जल्दी से जल्दी सुलझाए ताकि मुंबई का ट्रैफिक बहुत ही अच्छे और सुचारू ढंग से चले और लोगों को उससे कोई तकलीफ ना हो। दोस्तों, 1 जनवरी से पूरे मुंबई शहर में फास्टैग कंपलसरी कर दिया गया था, तब भी टोल प्लाजा पे आप कैश लेते हुए लोगों को देख सकते हो, टोल पे कैश बकायदा लिया जा रहा है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि जब कोई कानून लागू होता है तो उसका पालन पूरी तरीके से क्यों नहीं किया जाता है। इस तरीके के कानून को लगाने के बाद में पालन न करने की वजह से भी ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा भयानक रूप आपको देखने मिलता है और इस वजह से आप ट्रैफिक में अधिकतम मात्रा में फंस जाते हो। दोस्तों, महाराष्ट्र के बाहर अगर आप कभी कहीं पर भी कार लेके जाते हो तो सभी जगह पे फास्टैग कंपलसरी किया जा चुका है और अगर आप फास्टैग कैरी नहीं करते हो, आपके कार पे फास्टैग नहीं लगाया हुआ है, तो आपको दुगुना टोल पे करना पड़ता है। फिर क्यों मुंबई महाराष्ट्र में ही ये अभी तक कंपलसरी नहीं किया गया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार से ये विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द फास्टैग कानून को लागू करें ताकि ट्रैफिक की ये समस्या दूर हो जाए और लोग एक जगह से दूसरी जगह पे समय अनुसार पहुंच सके। इस वक्त पेट्रोल पंप पे आया हूँ, बाइक में फ्यूल थोड़ा कम बता रहा था, आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने सोचा कि यहीं पे पेट्रोल भर लिया जाए। दोस्तों, जब कभी भी आप लॉन्ग राइड पे बाइक लेके निकले तो उसके दोनों टायर के प्रेशर, हवा का जो प्रेशर है उसको जरूर चेक करा ले। जैसे कि KTM 390 में अगले टायर में 28 और पिछले टायर में 32 का प्रेशर कंपनी द्वारा बताया गया है, तो पेट्रोल पंप पे जब आप हवा भराते हो तब आप उससे ये कहे कि इतना ही इसमें हवा भरनी है। अधिक भरने पर भी प्रॉब्लम हो सकती है और कम भरने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, फिर से एक बार कहता हूँ कि कभी भी हाईवे के ऊपर अगर आप बाइक लेके जा रहे हो लॉन्ग राइड के लिए तो दोनों टायर के प्रेशर को प्रॉपरली चेक करें और उसके बाद ही लॉन्ग राइड पे बाइक को आप लेके जाएं। सुबह सुबह इतना खूबसूरत नज़ारा देख के दिल को बहुत ही खुशी मिलती है। ये आज के सुबह का अब तक का सबसे पहला खूबसूरत नज़ारा इस वक्त मैं देख रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ। दोस्तों, वैसे कहूँ तो आज के दिन ठंडी बहुत ही ज़्यादा है,
सुबह से जब मैं बाइक चलाना स्टार्ट किया है तब से मेरे यकीन नहीं मानेंगे, मेरे हाथ पैर लिटरली कांप रहे हैं, लेकिन ठंडी के मौसम में बाइक चलाने का अपना एक अलग ही मज़ा है और उसमें आपको इतनी खूबसूरत सीनिक ब्यूटी भी देखने मिले तो और भी मज़ा आ जाता है। दोस्तों देखिए कैसे रॉन्ग साइड से ये ट्रक सामने से आ रहा है। राइट साइड में ट्रैफिक जो जाने का ट्रैफिक है बढ़ जाने की वजह से अक्सर हाईवे पे मैंने ये देखा है कि कहीं ट्रक और प्राइवेट व्हीकल्स जल्दीबाजी की वजह से रॉन्ग साइड से अपने व्हीकल्स को लेकर जाते हैं। ऐसा करने पे कितनी बड़ी घटना घट सकती है, कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है जिससे कि उनकी खुद की जान तो खतरे में होती है, साथ में दूसरों को भी नुकसान पहुँच सकता है। दोस्तों मैं इस वीडियो को देखने वाले तमाम दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम आप लोग कितनी भी जल्दीबाजी हो ऐसी मिस्टेक ना करें, ऐसी मिस्टेक जीवन में कभी ना करें जिससे कारण आपकी अपनी जान खतरे में पड़ जाए। दोस्तों रॉन्ग साइड से चलाने का नतीजा इस वक्त आपके सामने है। दोस्तों कभी भी कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे कि आप खुद दुर्घटना के शिकार हो। बाइक होने का यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कितना भी ट्रैफिक हो आप साइड से आराम से सबसे आगे निकल जाते हो। और दूसरा बड़ा एडवांटेज है कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी टोल प्लाजा पे आपको एक रुपया टोल देने की ज़रूरत नहीं है और आप मुफ्त में ही पूरे हिंदुस्तान बिना टोल दिए कहीं पर भी आराम से घूम फिर सकते हो। दोस्तों इस वक्त जो आप ठीक लेफ्ट में जो सड़क देख रहे हो कच्ची सड़क है, यही सड़क जो है आपको वांदरी लेक की ओर ले जाती है। ये सड़क बहुत ही ख़राब है, पूरा ऑफ रोडिंग है। इस वक्त आपको बाइक बहुत ही संभाल के बहुत स्लो स्पीड में ब्रेक बहुत कम दबा के आपको चलाना है। थोड़ी सी भी गलती करने पर आप यहाँ पे स्किड हो सकते हो, स्लिप हो सकते हो, गिर सकते हो और आपको भयंकर चोट लग सकती है। दोस्तों वैसे मैं कह दूँ कि KTM 390 ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन बाइक है, लेकिन फिर भी मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जब भी आप इस तरह के रास्ते पे बाइक राइड करो तो बहुत ही शांति से बड़े इत्मीनान के साथ आप बाइक राइड करें। दोस्तों मुंबई से महज 86 किलोमीटर दूर 2 घंटे की दूरी पर शहर के शोरगुल और पोल्यूशन से दूर आप इस वक्त ऐसी जगह पर आ चुके हो जहां पे राइट साइड में छोटी सी नहर आपके रास्ते के साइड से चली जा रही है, सामने सूर्योदय हो रहा है और लेफ्ट साइड में खेत है और नहर के उस तरफ भी खेत है और इतनी प्योर ऑक्सीजन है यहाँ पे। शहर में एक तरफ जहाँ इतना पोल्यूशन होता है वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे इतनी प्योर ऑक्सीजन है कि दोस्तों इस वक्त मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। मेरे लिए आज की ये राइड का एक बहुत ही सुखद और अद्भुत अनुभव है। दोस्तों
दोस्तों आज की राइड का सबसे खूबसूरत नज़ारा जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त आपके सामने है, मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। इसे देख के आंखें तृप्त हो गई है, मन शांत हो गया है और खुशी की एक ऐसी लहर पूरे बदन में दौड़ रही है कि जिसे मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों मुंबई से महज दूर इतना खूबसूरत नज़ारा देखना अपने आप में बहुत ही सुखद अनुभव है। आज की बाइक राइड मेरी सफल हो गई है, मैं ऐसा मानता हूँ। चलिए दोस्तों अब यहाँ से मैं आपको नीचे ले जाके वहाँ का दृश्य आपको दिखाता हूँ कि वहाँ से ये लेक वांद्रे लेक कितना खूबसूरत दिखता है। नीचे जाके आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों अब यहाँ से निकलने का वक्त हो चुका है और यहाँ से बाइक लेके आगे मैं थोड़ा जाऊँगा जहाँ से एक रास्ता जो है, एक सीक्रेट रास्ता जो है वो यहाँ के एक प्राइवेट स्पॉट पे लेके जाता है जहाँ से लेक और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। दोस्तों ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बाइक स्टार्ट करता हूँ और सीधे आपको ले चलता हूँ उस सीक्रेट स्पॉट पे जहाँ से बहुत ही कुदरत का खूबसूरत नज़ारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये जो स्पॉट इस वक्त आया है ये भी यहाँ का बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है फोटोग्राफी करने के लिए। मैंने भी कुछ देर यहाँ बाइक रोक के यहाँ काफ़ी सारे मेरे पिक्चर क्लिक किए हैं और यहीं से भी आप लेक का बहुत खूबसूरत नज़ारा देख सकते हो। हम लेक के उस सीक्रेट जगह पे जाने के लिए एकदम करीब आ चुके हैं। यहाँ से ठीक लेफ्ट लेते हुए ये जो रास्ता है बहुत ही कच्चा रास्ता है, बहुत ही ऑफ रोडिंग है ये भी। यहाँ से धीरे धीरे बाइक चलाते हुए जैसे ही आप आगे जाओगे वहाँ पे एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा आपको दोस्तों दिखने वाला है। रास्ता बहुत ही ख़राब है, बाइक आपको यहाँ पर भी बहुत संभाल के चलाना पड़ेगा दोस्तों। कुछ लोग कार लेके भी यहाँ पे पहुँचते हैं पर दोस्तों मेरा ये कहना है कि कार आप यहाँ से मत ले जाइए, कार की कंडीशन बहुत ही डैमेज हो सकती है, ख़राब हो सकती है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे कहा कार लोग काफ़ी लोग लेके जाते हैं तो मेरे इस वक्त स्क्रीन में सामने आपको दिखा सकता हूँ कि एक कार ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुकी है और वहाँ पे कुछ लोग खड़े होकर वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों अभी इसी जगह से मैं जैसे ही लेफ्ट लूँगा कुदरत का एक बेशकीमती बहुत ही अद्भुत नज़ारा आप देखने वाले हो। मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि दिल पूरा थाम के रखिए, इस वक्त जो आप देखने वाले हो वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुपर दृश्य देखने वाले हो। ये देखिए दोस्तों
जैसे जैसे मैं नीचे की ओर बढ़ता जा रहा हूँ, मेरी तरफ लेक, मैं लेक मेरी तरफ सामने आता जा रहा है। और ये आज का अब तक का दूसरा सबसे खूबसूरत नज़ारा इस वक्त है कि लेक के बिल्कुल करीब मैं अपनी बाइक को लेके आया हूँ और मेरे सामने का ये दृश्य आप देखिए कितना ब्यूटीफुल, कितना अद्भुत और कितना सुहावना ये दृश्य है। थोड़ी दूरी पे आप फॉग देख सकते हो, कुछ लोग यहाँ पे टेंट लगा के उन्होंने रात को यहाँ कैंपिंग की है, काफ़ी दूसरे भी बाइकर्स इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं फोटोग्राफी के लिए। दोस्तों इससे खूबसूरत और दृश्य क्या हो सकता है जीवन में, इसी के लिए तो हम जीते हैं, इसी सब को देखने के लिए तो हम सुबह घर से 6 बजे निकलते हैं बाइक राइडिंग के लिए। और जब ऐसी जगह पर हम पहुँच जाते हैं तो बस ऐसा लगता है कि आपका दिन सफल हुआ। इस वक्त मैं वांद्री लेक के उस जगह पे हूँ जो गूगल मैप में नहीं बताई है। गूगल मैप में जो स्पॉट दिखाया है उससे आपको थोड़ा आगे गांव की तरफ जाना है और गांव की तरफ जाके वहाँ पे एक छोटा सा लेफ्ट टर्न आता है, वहाँ से बाइक लेके और कार लेके भी आप आ सकते हो। और यहाँ पे जब आप आओगे ये यहाँ से जो लेक का नज़ारा है वो उस जगह से भी बहुत बेहतर है, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे सच मायने में कहूँ तो पब्लिक ज़रा के एक भी पब्लिक नहीं है सिवाय मेरे यहाँ पे, नहीं के बराबर पब्लिक। और शायद मुझे लगता है किसी लोगों को पता भी नहीं कि इस तरफ से भी लेक की तरफ जाया जा सकता है। दोस्तों आप जब कभी भी आए तो गांव में जाके गांव से एक लेफ्ट टर्न लेके इस लेक की तरफ आइए। इस लेक के कुछ स्पेशल फुटेज मैंने लिए है वो भी मैं आपको शेयर करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो फुटेज बहुत बेहतरीन और अच्छे लगेंगे।
आज के इस बाइक राइड की बहुत ही खूबसूरत ढेरों सारी यादगार लम्हों को लेके मैं फिर से एक बार बाइक स्टार्ट करके मुंबई की ओर अपने घर की ओर रवाना हो रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त यहाँ करीब करीब 12 बज चुके हैं और 2 घंटे की राइड के बाद मैं घर पहुँचूँगा। दोस्तों, तो अब यहाँ से बाइक स्टार्ट किया जाए और घर की तरफ प्रस्थान किया जाए। दोस्तों, सुबह करीब करीब 5 बजे उठ के मुझे 6 बजे अपने घर से वांद्रे लेक के लिए रवाना होना था। इस चक्कर में मैंने सुबह नाश्ता किया ही नहीं था। मैंने एक कॉफ़ी बना के अपने साथ में ली थी जो मैंने लेक पे बैठ के पी थी, पर इस वक्त करीब करीब 1 बज चुका है और मुझे ज़ोरों की भूख लगी है। और भाईंदर मीरा रोड में इस जंक्शन के ऊपर फाउंटन रेस्टोरेंट बहुत ही प्रसिद्ध है, सारे बाइकर्स यहीं पर ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं। तो दोस्तों, मैंने भी सोचा कि बाइक सीधे फाउंटन में ले लूँ और यहाँ सुबह का लंच मैं कर लूँ। तो बाइक सीधे अंदर लेते हुए मैं पार्क कर रहा हूँ और लंच के लिए मैं सीधे अंदर जाऊँगा और फिर यहाँ से अपने घर के लिए रवाना होगा। दोस्तों, यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा था। अब जब कभी भी यहाँ से गुजरो तो यहाँ से ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के लिए एक ब्रेक ले सकते हो और फिर हाईवे पर आप आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र में 200 ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो कि प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर है, जहां पे कुदरत के आपको अनोखे नज़ारे देखने मिल सकते हैं। लेकिन अक्सर मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे अनुभव है, मैंने आसपास के लोगों में ये देखा है कि लोग उन्हीं जगहों पे जाना पसंद करते हैं जहां पे 5-7 स्टार प्रॉपर्टियाँ हो। मैं जिन जगहों की बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र की, वो जगह पर 7 स्टार या 5 स्टार प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कई जगहों पे, जैसे कि पिछली बार मैंने आपसे कहा था भंडारदारा पे, मालशेज घाट पे MTDC की प्रॉपर्टियाँ है जो कि 5 स्टार 7 स्टार तो नहीं है, पर उनके लोकेशंस बहुत ही खूबसूरत है और वहाँ पे स्टे करने के रेट भी बहुत ही रीजनेबल है। दोस्तों, मैं फिर एक बार कहूँगा कि 5 स्टार प्रॉपर्टी के चक्कर में मत पड़िए, बल्कि प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर जगहों का आनंद लेने के लिए हर वीक आप अपने घर से निकलिए और इन जगहों को एक्सप्लोर कीजिए। मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में कुछ न कुछ नई प्रॉपर्टी को मैं ढूंढूं, कुछ न कुछ नई जगह को ढूंढूं और उस पर वीडियो शूट करूँ और आप तक वो वीडियो पहुँचाऊँ। दोस्तों, इस वक्त मैं अपने घर के बहुत ही करीब आ चुका हूँ और जाने से पहले आप सभी से ये कहूँगा कि जैसे पिछली बार आपने मालशेज घाट की वीडियो को बहुत सराहा, उसे लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, उसी तरह इस बार इस वीडियो को भी, वांद्री लेक के इस वीडियो को भी आप लाइक करें, शेयर करें और वीडियो अच्छा लगने पे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर अगली बार आपको एक नए मोटो व्लॉग के साथ में एक नई जगह पर ले चलूँगा और उम्मीद करूँगा कि आपको वो भी बहुत पसंद आएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।